नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है ये मैं कुछ दर्शकों की डिमांड पे बना रहा हूं, तो उसके पीछे कारण क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसके अंदर मैंने एक चार्ट दिखाया था। अब दोस्तों, उस चार्ट के अंदर क्या था कि जो ये वाई एक्सिस होती है उस चार्ट की, उसके अंदर जो प्राइस था वो एक्चुअली यूनिफॉर्म नहीं था। मतलब वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल ले 403 रुपये 40 पैसे, 403 रुपये 80 पैसे, 404 रुपये 60 पैसे, 405 रुपये, मतलब अगर जो दो प्राइस पॉइंट हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। नॉर्मली अगर आपने चार्ट्स देखे होंगे तो उसके अंदर ये जो डिफरेंस होता है, जैसे अब आप देख सकते हैं ये डिफरेंस यूनिफॉर्म होता है, मतलब दो प्राइस पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो 50 पैसे है। तो उन्होंने पूछा कि इसके बीच ये जो डिफरेंस है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसके लिए मुझे आपको प्राइस स्केलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे ये टू डायमेंशनल चार्ट है, तो एक्स जो एक्सिस है, जो कि ये वाली एक्सिस है, ये जो भी आप यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ 15 मिनट हमने सेलेक्ट किया है, तो दोस्तों इस चार्ट के अंदर जो भी बार है वो एक्चुअली 15 मिनट की ड्यूरेशन का है। तो जो ये एक्स एक्सिस है इसको हम लीनियर बोलते हैं। लीनियर मतलब कि जो भी बार होगा या जो भी इसके अंदर आपका बार प्लॉट होगा चार्ट के ऊपर, वो एक लीनियर फैशन में बन रहा है। मतलब हर एक बार जो है वो 15 मिनट्स की ड्यूरेशन का है। इसके अंदर कोई ऐसा ये नहीं है कि ये वाला बार जो है ये 15 मिनट का है, ये 20 मिनट का है, 30 मिनट का है। उसी तरीके से जो ये वाई एक्सिस होती है दोस्तों, ये प्राइस को शो करती है। और अगर इसके अंदर आपका जो डिफरेंस है टू प्राइस पॉइंट्स के बीच यूनिफॉर्म अगर रहता है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, जैसे अब 50 पैसे का डिफरेंस है, तो ये भी लीनियर, इसको बोलते हैं कि ये आपका लीनियर स्केल है। तो यहाँ पे दो तरह के स्केल होते हैं दोस्तों, एक होता है आपका लीनियर या अर्थमेटिक स्केल, जिसके अंदर जो दो कॉन्जिक्यूटिव डेटा पॉइंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने आपको टाइम के बारे में बताया कि हर एक बार जो इस चार्ट पे बन रहा है वो 15 मिनट का है, तो ये लीनियर या अर्थमेटिक स्केल है एक्स एक्सिस। उसी तरीके से अगर वाई एक्सिस के ऊपर दो प्राइस पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस अगर सेम है, तो यहाँ जैसे 50 पैसा है, तो ये भी लीनियर या अर्थमेटिक स्केल है। लेकिन एक और इसको दिखाने का दूसरा तरीका होता है, जिसको बोलते हैं सेमी लॉग या लॉगरिथमिक स्केल। तो अब ये लॉगरिथमिक स्केल क्या होता है और इसको सेमी लॉग क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप investing.com के चार्ट पे जाएं, तो यहाँ नीचे एक आपको ऑप्शन दिखेगी लॉग स्केल की। तो जैसे कि अगर आप इसके ऊपर माउस को लेके आएंगे तो आपको ऊपर दिखेगा टॉगल लॉग स्केल। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाई एक्सिस है जो कि आपके प्राइस को दिखा रही है, ये चेंज हो जाएगी लीनियर या अर्थमेटिक से, आपकी ये चेंज हो जाएगी लॉगरिथमिक में, या सेमी लॉग भी इसको बोलते हैं। इसको सेमी लॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस तो लॉगरिथमिक हो गई, लेकिन आपकी जो एक्स एक्सिस है वो अभी भी लीनियर है। तो ये बेसिकली सेमी लॉग चार्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों ने मैथ्स वगैरह के बारे में ज़्यादा अध्ययन किया है या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, तो उनको ये चीज़ शायद पहले से ही मालूम होगी, लेकिन एज ए ट्रेडर ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका क्या उपयोग होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ समरी के तौर पे अगर मुझे बताना है तो यही है कि लीनियर या अर्थमेटिक स्केल जो होता है उसके अंदर जो दो डेटा पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है। तो जैसे यहाँ एक्स एक्सिस में 15 मिनट है क्योंकि हमने यहाँ 15 मिनट का चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, और वाई एक्सिस में अगर हम लीनियर स्केल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये डिस्टेंस या डिफरेंस जो है वो 50 पैसे का है। लेकिन लॉगरिथमिक में क्या होता है दोस्तों, लॉगरिथमिक में अगर आप इसको लॉगरिथमिक कर देंगे तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस है ये आपका वैल्यू की टर्म में अब इक्वल नहीं होगा, जबकि परसेंटेज की टर्म में ये अब इक्वल होगा। तो परसेंटेज की टर्म में कैसे इक्वल होगा? अगर जो ये दो वैल्यूज़ हैं इनके बीच के डिफरेंस का जो परसेंटेज है वो आपका इस पूरे स्केल में अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म रहेगा। तो इससे क्या है कि आप प्राइस की एब्सोल्यूट टर्म्स में इस चार्ट को नहीं देखेंगे बल्कि एक परसेंटेज की टर्म्स में देखेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए आपका प्राइस जो है 405 से 405 रुपये 50 पैसे हुआ, तो यहाँ पे अगर हमने सेटिंग्स में जो ये डिफरेंस है उसको परसेंटेज में सेट किया हुआ है, मतलब कि हमने लॉगरिथमिक स्केल यूज़ किया हुआ है, तो ये जो डिफरेंस है दोस्तों ये लगभग आपका 1.5% के आसपास रहेगा।
तो ये जो 1.5% था ये एक्चुअली फिक्स नहीं होता, तो अगर आप नीचे के लेवल पे वैल्यू देखेंगे तो ये डिफरेंस लगभग 1.1% है, और यहाँ पे ये डिफरेंस 1.9% है। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्टॉक को अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में नहीं ट्रैक करना चाहते प्राइसिंग के संदर्भ में, और उसको आप परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जो ये लॉगरिथमिक स्केल है ये बहुत काम का जो है फीचर है, जो कि यहाँ पे आपको investing.com पे अवेलेबल है। नॉर्मली आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस के प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन होती है कि आप लीनियर स्केल यूज़ करना चाहते हैं या लॉगरिथमिक स्केल यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर मुझे यहाँ समरी के तौर पे आपको बताना पड़े तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आप जो स्टॉक का प्राइस है उसको परसेंटेज की टर्म्स में आप ट्रैक कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे लॉगरिथमिक स्केल यूज़ करेंगे। तो दोस्तों लॉगरिथमिक स्केल जो होता है वो ये वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो अगर आप मान लीजिए इस स्केल को 2% पे करना चाहते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि लीनियर के केस में वहाँ पे दोनों वैल्यूज़ के बीच में एब्सोल्यूट टर्म्स में 50 पैसे का डिफरेंस था। तो अगर हम एक और दूसरा चार्ट देखें रिलायंस का, तो यहाँ पे जो ये आपका लॉगरिथमिक स्केल है वाई जो एक्सिस है इसके अंदर अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो डिफरेंस जो है 1.8% है, और ऊपर जो है वो 2.3% है। तो ये जो परसेंटेज का डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ प्लॉट करना मुश्किल होता है। वैल्यू जो है वो एक नियरेस्ट जो वैल्यू होती है, जो जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका 2% डिफरेंस अगर 818 रुपये आ रहा है, तो यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू जो है 820 जो है यहाँ पे प्लॉट हो जाएगी। तो इसलिए जो आपका डिफरेंस होता है परसेंटेज का ये एक अप्रॉक्सीमेशन होता है। तो चूंकि यहाँ पे ये 1.8% से 2.3% के बीच में है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे लॉगरिथमिक स्केल में डिफरेंस परसेंटेज लिया गया है वो 2% लिया गया है। तो दोस्तों अब ये आपने ये तो समझ लिया कि यहाँ पे ये वैल्यू इस तरीके से क्यों दिखती हैं, यूनिफॉर्म क्यों नहीं दिखती। तो अब आप सोचेंगे इसका बेनिफिट क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि जो आपका लॉगरिथमिक स्केल होता है उसको आप लॉन्ग टर्म अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप उसके अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीछे भी क्या कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि जब आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे जो आप अपना टारगेट सेट करते हैं या जो भी आपकी स्टॉप लॉस या जो भी आपके टारगेट्स होते हैं वो नॉर्मली एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म में होते हैं। तो जो भी छोटी अवधि का निवेश है वहाँ पे आप इस स्केल को लीनियर ही रख सकते हैं जहाँ पे आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन अगर आप लंबी अवधि का निवेश करते हैं तो वहाँ पे जो आपके टारगेट्स होते हैं वो प्रतिशत में होते हैं। तो वहाँ मुझे उम्मीद होगी कि 6 महीने में मुझे 10% रिटर्न मिलेगा, 20% मिलेगा। तो वहाँ पे आप लॉगरिथमिक स्केल का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको चार्ट रीड करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ क्योंकि यहाँ परसेंटेज क्यों महत्वपूर्ण है, तो उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि मान लीजिए एक स्टॉक अगर 200 रुपये का है और वो 220 पे चला जाता है, एब्सोल्यूट टर्म्स में उसकी 20 रुपये वैल्यू बढ़ी, लेकिन परसेंटेज के टर्म्स में उसकी वैल्यू जो है वो 10% बढ़ी। अब दोस्तों ये जो एब्सोल्यूट इंक्रीज था 20 रुपये का, ये हर एक प्राइस पॉइंट पे परसेंटेज की टर्म में अलग अलग होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है लेकिन परसेंटेज की टर्म में अलग अलग। तो मान लीजिए सेम स्टॉक अगर अब 400 रुपये का हो गया, सेम 20 रुपये अब उसकी वैल्यू बढ़ी, अब वो 420 का हो गया लेकिन अब परसेंटेज की टर्म्स में वो सिर्फ 5% बढ़ा। जब वो स्टॉक 200 रुपये का था जब 20 रुपये बढ़ा तो वो 10% बढ़ा, लेकिन जब वो 400 रुपये का हुआ और 20 रुपये बढ़ा तो वो 5% बढ़ा। तो इसलिए जो है लॉगरिथमिक स्केल जो है लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अगर आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉगरिथमिक स्केल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ भी महत्वपूर्ण है कि जो भी आपका स्टॉक प्राइस है वो कभी लीनियर फैशन में आपका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता, वो कभी भी लीनियर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो एक लाइन की तरह ऊपर जाएगा एक लाइन की तरह नीचे आएगा, तो वो क्योंकि ऐसे जिगजैग मैनर में ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए भी लॉगरिथमिक जो आपका स्केल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों यहाँ जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि आप जो लॉगरिथमिक स्केल है उसका इस्तेमाल वॉलेटाइल स्टॉक्स में ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जबकि अगर आपका कोई स्टॉक साइडवे में है या कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा तो आप उस केस में लीनियर स्केल का
इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा और आखिरी जो महत्वपूर्ण पॉइंट इस समय मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि अगर आप ट्रेंडिंग देखना चाहते हैं तो आप लॉगरिथमिक स्केल का इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों मुझे मालूम है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो अगर आप लॉगरिथमिक स्केल के ऊपर प्राइस पॉइंट को देखना शुरू करेंगे तो दोस्तों फिर आपका एनालिसिस का नज़रिया बदल जाएगा। तो वो कैसे बदलेगा, तो आप जो भी बार देखेंगे, जैसे अगर हम यहाँ वन डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो इस बार के अंदर आपको दिख रहा है कि स्टॉक जो है 820 से लगभग 860 तक चला गया। तो अब आप यहाँ ये नहीं देखेंगे इस बार को देख के कि भाई ये 40 रुपये की मूवमेंट हुई, आप इसको देखेंगे कि ये आपकी 2% की मूवमेंट हुई। उसी तरीके से अगर आप इस बार को देखेंगे तो यहाँ पे आप ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो मूवमेंट हुई लगभग इसको कह लीजिए कि आपकी मूवमेंट 20-25 रुपये की हुई, तो इसको भी आप ऐसे देखेंगे कि ये मूवमेंट 2-2.5% की होगी। तो आपको जब ये चार्ट आप ये रोज़ रोज़ देखना शुरू करेंगे तो आपके जो ये बार की हाइट है इसी से ही आपको सीधा पता लग जाएगा कि ये कितने प्रतिशत की मूवमेंट है अपने एक्सपीरियंस से। तो जैसे ये बड़े वाले जो बार्स हैं ये लगभग आपके 2-2.5% या 3% तक की मूवमेंट दिखा रहे हैं, जो छोटे बार्स हैं वो आपकी लगभग 1% तक की मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो आप ये पूरा जो चार्ट है ये प्राइस पे नहीं बल्कि आप परसेंटेज की टर्म्स में इसको देखना शुरू कर देंगे, और जो कि एक लंबी अवधि के निवेश में आपको इसी तरीके से देखना जो है बेहतर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली किसी भी टाइम फ्रेम के लिए एक लगभग अप्रॉक्सीमेट कितनी परसेंटेज मूवमेंट हुई आप वो अपने चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लंबी अवधि के निवेश में हमेशा निवेशक जो हैं वो परसेंटेज की टर्म्स में बात करते हैं और छोटी अवधि के निवेश में या ट्रेडिंग में वो एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करते हैं। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है आपको दी गई है कि आप ये लॉग स्केल जो है इसका इस्तेमाल करें जब आप लंबी अवधि का कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस विषय के ऊपर और भी वीडियोस डालूंगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, और इसके अंदर मुझे काफ़ी दर्शकों ने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आप investing.com पे जो भी उनकी वेबसाइट के ऊपर आप अलग अलग तरह के एनालिसिस या अलग अलग फीचर्स जो अवेलेबल हैं उनके ऊपर आप डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाएँ। तो आज के इस वीडियो में हमने प्राइस स्केलिंग के बारे में चर्चा करी और प्राइस स्केलिंग का आप अपने एनालिसिस में प्रैक्टिकली और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएँ। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया, आप उसको ज़रूर पढ़ लें। और ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। इसके अंदर जिस भी स्टॉक का मैंने जिक्र किया है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल और रेफरेंस के तौर पे है, और मेरा किसी भी तरह से आपको कोई सलाह निवेश की या बाय करने की, सेल करने की, होल्ड करने की नहीं है। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।